साहिबगंज के बड़ा मदनशाही में चल रहे SBI बैंक शाखा में खाताधारकों को अपनी जमा पूंजी निवेश में निकासी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई खाताधारकों से बैंक प्रबंधक ने खाते से संबंधित सारे कागजात जमा भी करवा लिए हैं और राशि निकासी के मामले में आजकल टालमटोल की जा रही है। 5 साल गुजर गए मगर खाताधारकों को अपनी राशि नहीं मिल रही है। वहीं उप मुखिया अलाउद्दीन ने SBI बैंक के शाखा प्रबंधक के ऊपर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक प्रबंधक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो घूस की राशि लेकर खाताधारकों का राशि निकासी का काम करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर हम घूस की राशि नहीं देते हैं तो खाताधारकों को बेवजह परेशानी होती है और राशि निकासी में कोई ना कोई बहाना निकाल कर राशि को रोक दिया जाता है। क्या दिक्कत है? परेशानी है, पैसा जाते हैं, बोलता घर में पैसा रखा हुआ है, देंगे। कौन? मैनेजर बोलता है। कितना पैसा है आपका? 24,400 कुछ रुपया है। अच्छा, कितना दिन से हो रहा है? 5 साल से परेशान। क्या बोलता है? 5 साल से क्या बोल रहा है? जाते हैं तो बोलता है आपको काम लगा हुआ है, काम आपको मिल जाएगा, पैसा जाइए, घर में पैसा रखा हुआ है। किसके घर में पूछे नहीं? जब जाते हैं तो परेशान होकर ठगा देता है, डांट देता है, जाइए आप काम कर रहे हैं, आप ही काम लगा हुआ है, कितना दिन से काम कर रहा है, डांट देता है। हाँ, कौन है बैंक मैनेजर? नाम है पता? नाम इतना जानते। कौन सा बैंक है? बैंक कौन है? यही बैंक। ये तो SBI है। हाँ, SBI यही बैंक है। चलो की क्या हो रहा है बताइए। क्या दिक्कत है? कोई चले दिक्कत वो हफ्ता में हो जाए काम है। कब से बोल रहा है? कब से बोल रहा है? दिन से आ रही बैंक बाबा। बहुत दिन से। हाँ, वही बताओ, बोल के 2 महीना 4 महीना 8 महीना कितना दिन से? साल भर से। साल भर से आ रहा है, कहे नहीं दे रहा पैसा, पूछे नहीं बाबू को, कागज भेजा दिया यहाँ वहाँ, चल जाते हैं घर के। क्या नाम हो गया आपका? हाँ, नाम क्या है? पापा के नाम है। प्रॉब्लम, मेरा नाम अली मंसर है सर। मेरा पिताजी 2018 में जन्म करें तो स्टेट बैंक में दो खाता, एक सेविंग और एक फिक्स वाला हमने चालू खाता, दोनों से 3,76,000 पैसा था। डेट कर दिया तो उसमें नॉमिनी नहीं था सर, तो जितना कागज दिया सारे कागज बना के दिए, आज तक हमको तो प्रिंट नहीं हुआ सर। कितना दिन से? 5 साल। 5 साल क्या बोलता है? क्या हाँ, ये सोमवार का आना, अगला सोमवार का आना, 20 दिन बाद आना, 10 दिन इस तरीका से हो जाता है। आप बोलता है सर जितना पैसा इस पैसा में 10% दीजिएगा तब काम होगा। ये कौन बोला? मैनेजर। क्या नाम है मैनेजर का? मैनेजर का नाम सुमन या ऐसे। अच्छा, मतलब बैंक मैनेजर बोला। बैंक मैनेजर। कितना दिन पहले बोला? लगभग जुमरा, अगले जुमरात, सामने जुमरात। तब क्या सोचे हैं आप? सोचे जब हमको पैसा देना है, हम जाना है किसी किसी के पास। मोहम्मद मुखलेशुर अंसारी। अच्छा, क्या था आपका मामला? वो बैंक में पैसा था। कितना? 51,519 रुपये। किसका पैसा था? मेरा पिता का था। अच्छा, सिराजुल अंसारी। अच्छा अच्छा, तो पैसा मिल गया? हाँ, पैसा दिया है। कैसे? वो बोला खर्चा लगेगा तो 10,000 पैसा दिया गया। क्या बोला? मैनेजर साहब। मैनेजर बोला? अपने से बोला? हाँ, बोला कुछ खर्चा से लगा। ठीक है सर, कर दिया। तो आप पैसा किसको दिए? मैनेजर साहब को दिए। उसके हाथ में दिए? आगे में बढ़ा के दिए, तो बोले पैसा निकाल के रखो, हम आते हैं। अच्छा, वही अपने से ले लिए पैसा। कहना है मेरे
मेरा ये है कि जैसे अभी हम इस ब्रांच में आए हुए अभी 2 दिन हुआ है, तो अभी जानकारी में जो भी मेरे पास आ रहा है तो हम वही चाहेंगे कि जिनका भी वैसा दिक्कत है नहीं हुआ है तो वो हमसे आके ब्रांच में मिले एक बार और उनका जैसे नियम अनुसार जैसा हो सके उसका निष्पादन किया जाएगा। हमारे यहाँ SBI छोटा मदन शाही के शाखा प्रबंधक अभी वर्तमान में परवीन कुमार पासवान थे और हमको लग रहा है कि शायद आज वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हमारे यहाँ का बहुत सारे ऐसे मामला है कि किसी का पति का देहांत हो गया, किसी का पिता देहांत हो गया, उन लोगों का पैसा ब्रांच में रखा गया था कि भविष्य में काम आए कभी, वो तो बेचारे लोग इस दुनिया से चले गए अपने आश्रित को छोड़ के। उसका जो आश्रित है वंशज, उन्होंने बैंक को नियमानुसार जितना जो पेपर लगते हैं वो सारे फिलअप करके वो लोग जमा कर दिए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी का मामला 2018 का है, किसी का मामला 2019 का है, किसी का मामला 2011 का है, जो कि आज तक उसका वंशज को पारिवारिक को भुगतान नहीं किया गया है। कई बार हम भी ब्रांच मैनेजर से मिले हैं, उसका कहना है कि ऊपर का प्रोसेस है पाकुड़ का, वहाँ से जब तक हम लोग का सिग्नल नहीं दिया जाता है तो हम लोग भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो हम तो बोले कि ये तो ऐसा मामला नहीं है, ये तो SBI का प्रोसेस है कि 90 दिन का अंदर डिस्पोजल कर देना है। तो नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ये तो प्रोसेस का मामला है, तो सारा मैटर यहीं रह गया। एक हमारे यहाँ का आयबुन खातून महिला है, विधवा है, जो कि काफ़ी वृद्ध महिला है, उसका उम्र लगभग 70 का लमसम होगा, वो अपने पति का पैसा के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैनेजर साहब हमारे प्रवीण कुमार जी हैं जो कि कई बार उसको बुलाए हैं कि आइए बैंक में पैसा दिया जाएगा। एक बार पहले डॉक्यूमेंट दिया गया जो कि सारा डॉक्यूमेंट गायब हो गया बैंक से, बोलता है कि कहीं खो गया है दूसरा बना के दीजिए। फिर इन्होंने 2021 में बना के दिया, 2021 का भी मामला कहाँ रह गया पता नहीं चला, उसको दौड़ाते दौड़ाते 2023 तक ये कर दिए। लास्ट में इसको पूरे मामला को ही करने के बाद पैसा तो नहीं दिया है, आज तक पैसा नहीं दिया, वो बेचारे डर डर भटक रहे हैं। दूसरा मामला है आलिम अंसारी का, उसका पिताजी तसरुल अंसारी है, वो फिक्स डिपॉजिट किए थे और RD सेविंग खाते में उसका पैसा है जो कि कुल दोनों मिला के राशि 376 का लमसम है, जो कि आज तक बेचारा 5 साल से दौड़ रहे हैं, उसको भी भुगतान नहीं किया गया है। और पता चला है कि वो मेरे पास आया कि देखिए ना, बोल रहे हैं कि मेरा जितना पैसा है उसका 10% मांग रहा है बैंक वाले, तब भुगतान करेंगे। हम बोले ये तो सरासर गलत बात है। हम भी जाके ब्रांच मैनेजर से मिले हैं कि सर पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। ब्रांच मैनेजर हल्के ही लफ्ज में बोला है कि नहीं, ये तो ऊपर का प्रोसेस है मुखिया जी, कुछ तो पैसा देना होगा इसको। तो हमने बोले कि नहीं सर, ये तो गलत वाली बात है। तो बोला ना, ऊपर का प्रोसेस है, आप ऊपर से भी पता कर सकते हैं। हमने इसको बोले कि जब ऐसा मामला है तो ऐसा कीजिए, आप चलिए हमारे श्रीमान उपायुक्त महोदय से मिलते हैं हम लोग। तो इन्होंने एक आवेदन उपायुक्त महोदय को दिया है। और है हमारे अभी 22/6/2023 का मामला है, जो कि हमारे बड़ा मदन साहिब के निवासी सिराजुल अंसारी, उनकी पत्नी अमीना खातून, सिराजुल अंसारी मृत होने के कारण नॉमिनी में नाम नहीं था, जिसमें कि सारे बैंक का नियमानुसार जमा करने के बाद सिराजुल अंसारी की पत्नी अमीना खातून को बोला गया कि आप 10,000 रुपया दीजिए तब आपका पैसा दिया जाएगा, जिसमें कि उसका पुत्र मुकलेशुर रहमान से अंसारी से 10,000 रुपया उसका भुगतान करने में लिया गया, जो साक्ष्य है प्रमाण है। जब चाहिएगा तब वो पीड़ित महिला उसका पुत्र जहां चाहे वहां पूछ सकते हैं, वो जानकारी देने के लिए सक्षम है।